हम नौजवान की सोने के साथ कैसे तुलना करें, आज इसी विषय पे हम कुछ बोलना चाहेंगे। सोना भी दो तरह का है, एक जो पीला धातु जिसे कहते हैं सोना, जो बहुत ही कीमती धातु है, आजकल वो 30,000 रुपये 10 ग्राम में प्राप्त होती है। जिसके कई प्रकार के गहने बनाए जाते हैं, खासकर औरतें विवाह के बाद खूब गहने पहनती हैं, खासकर सोने के गहने। सोने के गहने पहनने से खूब सुंदर लगती हैं। ऐसे कोई भी नौजवान सोना पहनकर अपने आप को गर्वित महसूस करता है कि उसने कुछ सोने का एक हाथ का कड़ा पहन रखा है, या गले की चैन पहन रखी है, या अंगूठी पहन रखी है। ये मनुष्य के शरीर की शोभा है। सोना बहुत ही कीमती धातु है और बहुत ही चमकने वाली और महंगी धातु। तो मनुष्य को सोने से उपमा दी जाती है। नौजवान को सोने की उपमा कैसे दी जाए? एक तो मैंने सोना बताया धातु, और दूसरा सोना है अर्थात नींद लेना। जब हम कई प्रकार के कार्य करके थक जाते हैं तो हमें सोना भी पड़ता है, अर्थात नींद लेनी पड़ती है, वो भी शरीर के लिए आवश्यक है। यदि हमें नींद प्राप्ति नहीं होगी, यदि हमें नींद नहीं आएगी, तो हमारी थकावट भी दूर नहीं होगी। लेकिन बिना मतलब के ही नींद लेना, सो जाना दिन रात कभी भी बिना काम किए सो जाना, खा पी के सो जाना, वो हमारी सेहत को भी नष्ट करता है, हमारे गुणों को भी नष्ट करता है। तो नौजवान संसार को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? स्वयं सोना बनकर। तो स्वयं कैसे सोना बन सकता है? उस धातु से जो धातुएं मनुष्य का स्वरूप बदल देती हैं, तो उस धातु से उपमा हम अपने विचारों से ही कर सकते हैं। हम अपने विचार एक दूसरों को देकर, सोने जैसे विचार कैसे हो सकते हैं? जैसे ईमानदारी, जैसे मेहनत का जीवन, अति लगनशील पुरुष, अपने मालिक के प्रति वफादार होना, और कार्य करते करते जब तक कार्य पूर्ण ना हो उसे करते जाना, कार्य समय पर करना, और कार्य के बीच में विघ्न होते हुए भी कहीं ठहर ना जाना, अपने गुणों को विकसित करना, अपना ज्ञान दूसरों में बांटना, जैसा ज्ञान हमने हासिल किया है वैसा ज्ञान दूसरों को देना, स्वयं सोना बनना, और आपके स्पर्श से और भी कई सोना बन जाएं, ऐसा अपने आप को बनाना। यदि हम सोना नहीं रहेंगे
तो और किसी को भी सोना नहीं बना सकते। यदि हम लोहा ही रह जाएंगे, यदि हम स्वयं लोहा बन जाएंगे तो औरों को सोना कैसे बना सकते हैं। लोहा एक बहुत ही सख्त धातु है जो बहुत ही मुश्किल से टूटता है, काटा जाता है और उसे जंग भी लग जाती है। जंग लगने के बाद लोहा बेकार हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता, लेकिन सोने को कभी जंग नहीं लगती। सोना कभी बूढ़ा नहीं होता, सोना का मूल्य हमेशा ही उच्चतर से उच्चतर रहता है और सोना कभी काला नहीं होता, सोना कभी फीका नहीं पड़ता। सोने की चमक कभी कम नहीं होती, चाहे उस पर कितना पानी पड़ता जाए। सोना दूर से चमकता हुआ नजर आता है, ऐसे ही मनुष्य के अंदर सोने जैसे गुणों का होना भी बहुत जरूरी है। मनुष्य यदि खुद चमक जाएगा तो हर कोई उसे चमकता हुआ कहेगा। मुझे किसी विद्वान की बात याद आती है, उस विद्वान ने एक बार कहा था कि फूल की खुशबू सिर्फ बगीचे के अंदर ही रहती है, लेकिन जो मनुष्य की खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है। हमें यदि सोने की चमक धारण करनी है, वैसी हमें तेजस्विता लानी होगी, वैसा तेज धारण करना होगा, वैसा ओज धारण करना होगा, कई प्रकार के गुणों का समुदाय जिसको हम तेज कहते हैं, जिसे हम ओज कहते हैं, वह धारण करना होगा, तभी हम सोने की उपमा धारण कर सकते हैं। तभी हम नौजवानों को सोना बना सकते हैं। इति ओम शांति।